नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हां, आम बजट का मौसम है। सरकार काफ़ी गंभीर और संजीदा है आम बजट को लेकर, लेकिन उनकी चुनौतियां क्या हैं और आम जनता की उम्मीदें सरकार से क्या हैं, तमाम सारे मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने सारे मेहमानों से। आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हरिहर महापात्रा जी बिजनेस जगत से हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिजनेस वर्ल्ड क्या चाहता है इस आम बजट में। प्रीति महापात्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेस करती हैं और कृष्ण लीला फाउंडेशन के तहत स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई हैं। रश्मि सिंह जी सिविल सर्वेंट हैं और कन्वर्जेंस के लिए काम करती हैं, सोसाइटी में किस तरह से नेशनल कन्वर्जेंस को लेके काम हो और आगे बढ़े। उसके बाद अर्चना गरोदिया जी फिक्की से आती हैं, बिजनेस मैन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके महिला विंग को देखती हैं। और देवेंद्र शास्त्री जी प्रसिद्ध एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज़ के पूर्व संपादक रह चुके हैं। तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं आम बजट को लेकर। सबसे पहले हरिहर महापात्रा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक बिजनेसमैन के लिए भारत में अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि यहाँ से बिजनेसमैन पलायन करना चाहते हैं, वो दुबई जाना चाहते हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, हांगकांग जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बिजनेस का माहौल है। मोदी जी जब आए तो पिछले बजट में उन्होंने एक सपना दिखाया कि भाई हम बिजनेसमैन को एक माहौल देंगे, एक हम जगह देंगे, काम करने की एक पॉलिसी देंगे, तो क्या वो मिला है या क्या उम्मीद है इस बजट में बिजनेस? सी मेरे हिसाब से ये मेक और ब्रेक बजट है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट हमेशा बोलती है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोदी साहब बहुत बार बोले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरे हिसाब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। हम भी खुश है कि चलो फाइव प्रपोजल्स देते हैं या कुछ भी परमिशन देते हैं बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे जहाँ से हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर रिड्यूस हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मार्जिन बढ़े, तभी बिजनेस इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। इवन फॉरेन कंपनीज आएंगे, इंडियन कंपनीज है, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट अभी अनाउंसमेंट कर रही है। मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ऐसे कुछ चार या पांच पॉइंट रखे जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोग सोचे कि भाई हाँ ये फाइव पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जिसके वजह से आप मेक इन इंडिया इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करो। गवर्नमेंट बोलते मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ठीक है, मेक इन इंडिया फाइव पॉइंट्स क्या है? फाइव पॉइंट्स आप बताइए, ये पांच पॉइंट है जिस वजह से आप आके यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। देवेंद्र जी, ये आप इनकी बात सुन रहे थे, क्या लगता है आपको कि पिछली बार मोदी जी ने जो सारे सपने दिखाए थे और अब ये जो बजट है ये एक तरह से पूर्ण बजट है, क्योंकि आप बाद में आए, आपके पास उसमें प्लानिंग नहीं थी, लोग कह रहे थे यूपीए सरकार के पूरे जो नीति पॉलिसी है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अब तो एक बार ऐसा मौका है जो आपको फुल प्ले जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल, पिछली बार तो गवर्नमेंट के पास वक्त कम था, बजट बनाने का वक्त भी नहीं था और टाइम भी कम बचा हुआ था, तो एक डायरेक्शनल बजट आया था कि सरकार अपनी डायरेक्शन बता रही थी सिर्फ, उसमें कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए थे, कोई रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी बात नहीं की गई थी, लेकिन जेटली जी ने एक डायरेक्शन दिया था कि हम जो है रिफॉर्म पे जाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहेंगे और हम स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करेंगे, इस तरह के डायरेक्शंस दिए थे। अब जो इस बार का बजट है ये असल में जनता की असली जो आशाएं हैं इस सरकार से उनका रिफ्लेक्शन इसमें आना है, तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देखिए तीन चार मेजर इश्यूज हैं जो कि पब्लिक इस वक्त देख रही है। एक तो रिफॉर्म का इशू है, रिफॉर्म सबको इफेक्ट करेगा, कंट्री में आप मेक इन इंडिया का जो उनका स्लोगन है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो रिफॉर्म बहुत एसेंशियल है। आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें प्रोडक्शन के लिए लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको तैयार करना है तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपको अपनी पॉलिसी फोकस करनी होगी। और इस बजट में गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसीज है और उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि मेजरली आनी चाहिए, रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, आपके स्किल डेवलपमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेप्स कि भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कोई मेजर स्टेप्स, इसके अलावा जो आपके जो बाहर से जो गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट लाने की बात की है और एनआरआईज के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस बार के बजट में। अर्चना जी,
क्या आपको लगता है कि जितनी सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसमें से क्या वो आ रहे हैं, रिजल्ट दिख रहा है कहीं? क्या देखिए, अभी तक तो इलेक्शन ही चल रहे थे कई सारे, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से रिफॉर्म उनको करने की। अब जो मोदी जी ने हमें वाक्य दिए हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब सही दिशा में कदम है। अब इनको पॉलिसी में परिवर्तित करना, ये इस बजट का काम होना चाहिए। हमारे को अब ये जो ऑयल प्राइस गिरा है उससे वी हैव गॉट $50 बिलियन, यानी कि 300,000 करोड़ का हमें तोहफा मिला है वर्ल्ड मार्केट की तरफ से। जो इंडिया वाले खर्च कर रहे थे 300,000 करोड़, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट या तो हम दाम कम करके लोगों को कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए दे सकते हैं, या फिर ये बजट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ डिवोट करें। जो भी हमारे यहाँ आता है, देखिए इंडिया में आपकी लेबर सस्ती है, कोई चीज की कमी नहीं है, पर यहाँ बिजनेस जितना प्रोडक्शन होना चाहिए क्यों नहीं होता है? लोग बाहर से आके यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? यहाँ आके लोगों को लगता है कि हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द नंबर वन फैक्टर्स, उसके कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो, और सोशल, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो रोड्स और ये सब, इंटरनेट, फोन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा तोहफा है हमारे पास, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी अवेलेबल है। कल के दिन ऑयल प्राइस को हो ना हो, क्या पता, इसमें से एक सर्टेन अमाउंट तो सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऑयल प्राइस का कुछ भरोसा नहीं रहता है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, इंडिया में सब जगह 300 दिन तो सूरज चमकता ही है हमारे लिए, बहुत दूसरे देशों में ना हो, इंडिया में हमारे लिए सोलर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो है GST, आपको रिफॉर्म चाहिए। हम बिजनेस करते हैं, हमें मालूम है 50 फॉर्म चाहिए होते हैं, 3 आदमी लगे रहते हैं, आपके इंस्पेक्टर्स आते जाते रहते हैं, ट्रकें रोकी जाती हैं। US में कोई फॉर्म्स नहीं है, आप बिजनेस करिए, वहाँ पे इंटरस्टेट कोई फॉर्म नहीं है, CST नहीं है। वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें करेंगे तो हम बिजनेस कब करेंगे? ये सारी चीज़ें अगर हम देश को एक पूरे तरीके से देखें, ये एक आपका लीगल या फंक्शनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सड़कें, ये सब आपको चाहिए ही, और जो एजुकेशन है हमारी, प्राइमरी एजुकेशन, अब सैलरीज तो उन्होंने बढ़ा दी, प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या फैंटास्टिक सैलरीज हो गई हैं टीचर्स की, और पर अब वो क्या है, कई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वो किसी और को रख देते हैं 5-7 हज़ार रुपए में, कुछ और करते हैं। तो वो आपको सिस्टम चाहिए जिससे कि वो एजुकेशन, आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन था कि गवर्नमेंट को स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, एक फंड बना लेना चाहिए, और उन्होंने मेरिट बेस्ड हेडमास्टर्स को अवार्ड देंगे, या इस तरह के एजुकेशन में अगर वो अपने सिस्टम्स बनाए टू डू मेरिट बेस्ड अवार्डिंग फॉर द स्कूल्स, तो उस तरह के स्टेट्स में जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया उनको गवर्नमेंट पैसे दे या तोहफा दे, बिकॉज मेन थिंग इज इंसेंटिवाइजिंग ऑल्सो। हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो आपको उसको प्राइवेट सेक्टर में डुप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है इसमें। कुल मिलाकर के स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट का इशू है जो, रश्मि जी वही एक सवाल आपसे है कि हम लोग 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग चाइना को क्रॉस कर जाएंगे, उस समय हमारे देश में अचानक बहुत हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, उस हिसाब से क्या एजुकेशन पर हम अभी भी GDP का 1% भी खर्च नहीं कर रहे हैं, 0.89 हायर एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं? तो क्या जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है या मेक इन इंडिया की बात हो रही है, बिना एजुकेशन का तो संभव है नहीं? बिना एजुकेशन का नहीं संभव है, लेकिन बात यह है कि वरीयता किसको दी जा रही है। आपने हायर एजुकेशन की बात की, आज देश में वरीयता जो देने की बात है प्रायोरिटाइजेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हायर एजुकेशन में हम बहुत ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप विकसित देशों से और कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग उस पिरामिड में जाते हैं, और बड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्टेट फंडिंग बड़ा है उसका हायर एजुकेशन का, वहाँ पे प्राइवेट फंडिंग हायर एजुकेशन का कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को फिक्स करने की बात है, उसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन, ताकि एक प्रशिक्षित युवक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड में, जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, और जो 500 मिलियन टू बी स्किल्ड बाई 2022 जो एक टारगेट है,
तो उस प्रशिक्षण की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन की भाई हम उसको बस एक डिग्री दे करके वो अपना हायर डिग्री दे दिया, वो नहीं, एम्प्लॉयबल स्किल की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रशिक्षण है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, वो कहीं ना कहीं अभी जो चेंज हो रहा है, तो हायर एजुकेशन स्कूल का जो हायर एजुकेशन है, जो प्लस टू लेवल है, जो हायर सेकेंडरी लेवल है, उसी में कैसे हम उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण की तरफ लेकर के जाएं, ताकि वो अपनी डिग्री को इस्तेमाल कर सके, अपनी रोजी रोटी के साथ में डिग्री को जोड़ सके, और एक वाइट कॉलर जॉब एक बाबू के रूप में एक सपने की नहीं देख करके, हर तरह की स्किल है, मार्केट बहुत बड़ा है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी इम्प्रूव हो रहा है, तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो एक डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप रहेगा, एक तरफ तो हम रोजगार के लिए प्रशिक्षित युवक युवतियों को ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ जिस काम के लिए ढूंढा जा रहा है उसमें प्रशिक्षण ही नहीं है। तो इस गैप को कम करने की आज की तारीख में जो जरूरत है, तो सरकार की जो एक प्राथमिकता है वह इसी तरफ ज्यादा है, इस गैप को कम किया जाए। सरकार ने ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बना दी है, मुझे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट इसी दिशा में जा रही है। अब आप देखिए कि पूरा एक अलग से स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय को बना देना, और एक इसी मंशा को सरकार हाईएस्ट लेवल पे वो लेकर के आई है कि भाई इसको एक प्राथमिकता मिलेगी, और स्किल के नाम पे, ये नहीं कि आप कोई भी जो है एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, स्किल के नाम पे आज की तारीख में जो प्रमाणिकता है वो यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी हो रही है कि नहीं, प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, मार्केट लिंकेज हो रहा है कि नहीं, तो तभी तो उसकी एक सार्थकता है। नहीं तो हम कितनी भी डिग्री और सर्टिफिकेट ले लें, उसकी सार्थकता क्या? कितने लोग अभी भी हम लोग देखते हैं, मैं अपने प्रदेश बिहार में जाती हूँ, देखती हूँ कि लोग जो है अपना नौजवान बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन डिग्री तो है, डिग्री ले लेते हैं, कि एप्लीकेशन लिखनी आती नहीं। बिल्कुल, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम कहते हैं गुणवत्ता, तो गुणवत्ता एक तरफ देखिए, गुणवत्ता सिर्फ पैसों से नहीं आती है, गुणवत्ता के लिए एक अच्छा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उससे भी गुणवत्ता बढ़ी जाती है। स्कूल तो बन जाते हैं लेकिन टीचर नहीं जा रहे, या जा रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो गुणवत्ता आने के लिए सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। प्रीति जी, एक आम आदमी जो आम भारतीय है, उसको क्या उम्मीद है सरकार से? वो तो बेचारा अब भी महंगाई से त्रस्त है, ना टैक्स में उसको कुछ उस तरह से मिल रहा है, ना उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो इसमें क्या आप चाहेंगे कि किस तरह से उसको किया जाए? मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो अपने टैक्स रिफॉर्म्स जो है उनको थोड़ा ईज आउट किया जाए दोनों तरफ से, एक तो बिजनेस हाउसेज के तरफ से, हमारे तरफ से, दूसरा कि कंज्यूमर है उसके तरफ से, डिमांड सप्लाई दोनों तरफ से कुछ प्रोसेसेस को ईज आउट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस हाउसेज है, आज हमारे काफ़ी एनआरआई दोस्त है जो बोलते हैं हमको इंडिया में आना है, हमको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि एक तो टैक्सेशन बड़ा इशू हो जाता है, दूसरा ये है कि एक लॉबिंग कॉस्ट जो होता है इंडिया की करप्शन को लेके, तो नीचे से उनका इतना कॉस्ट बढ़ जाता है जब तक उनकी फाइल ऊपर जाती है और सैंक्शंस आती है। तो एक तो ये इस बजट में कुछ इसका ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो फॉरेन फंडिंग्स आ रही है, दूसरा कि जो एक आम आदमी है उनके लिए ये जो टैक्स लैब्स है उनको हमको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए इस बजट में। जैसे मिनिमम टैक्स लैब्स है 50,000 से 1,00,000 से थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो एक आम आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 50,000 का इनकम है, 1,00,000 समझ लो उसकी महीने की इनकम है, उसको थोड़ा टैक्सेशन हेडेक कम हो जाएगा तो उसकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो जैसे कोई डेवलपर्स है वो घर जो सपना हर आदमी देखता है कि मैं घर खरीदूं, बड़े शहर में घर लेना बहुत बड़ी बात है, तो वो जो पैसे बचाएगा वो इन्वेस्ट करेगा, हमारे जैसे बिजनेस हाउसेस के प्रोजेक्ट्स सफल होंगे, हमारे काफ़ी ऐसे भी सिटीज है जैसे बॉम्बे में फॉर एग्जाम्पल इतने सारे बिल्डिंग्स बन के रहते, इतना सप्लाई नहीं हो पाता, सेल नहीं हो पाता, बिकॉज आज लोगों की इनकम उतनी है लेकिन ओवरहेड्स भी बढ़ रहे हैं, आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज सब्जी खरीदने जाओ तो दाम बढ़ चुके हैं, एक वो हेडेक एक आम आदमी को, दूसरा ये है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स है, तो इस चक्कर में आदमी फंस जाता है, वो इंटरेस्ट कब देगा और अपनी फैमिली को कब देखेगा और अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे करेगा, इसी चक्रव्यूह में ना एक आम आदमी फंस जाता है। दूसरा ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंकिंग इंटरेस्ट को इस बजट में थोड़ा कुछ लीवे देना चाहिए, क्योंकि इंडियन जो नेशनलाइज हमारे बैंक है इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इस चक्कर में फॉरेन बैंक्स आके एडवांटेज ले लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग जो इंडियन बैंक से हेल्प लेना चाहते हैं और काफ़ी सालों का बिजनेस है, ये लोग उससे आधे प्राइस में हमको इंटरेस्ट लालच दिखा के उनका उनका बिजनेस बढ़ जाता है,
तो हम एनीवेज हमारे इंडियन जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है इसको लेके हम इंडिया को ही हमको बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन बिजनेस हाउसेस को बढ़ावा देना चाहिए, स्टेट बैंक्स को थोड़ा उनको मदद करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज़्यादा देनी चाहिए. फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे नौजवान हैं ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हाउ टू गो अबाउट टू गेट अ जॉब. जैसे सिस्टम में आना है पर सिस्टम में कैसे आना है, वहाँ पे फिर से करप्शन की बात आ जाती है. और GST मेरे हिसाब से इमिजिएटली लागू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. दूसरी बात यह है कि अगर आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो तो इस बजट में FDI को ज़्यादा जोर देना चाहिए. जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल इस्टेट है, पावर है, एक्सेट्रा, वहाँ पे FDI को अलाउ करना चाहिए. यहाँ पे बहुत मदद ज़रूरी होती है हमारे लिए. और हरिहर जी सवाल इन्हीं से जो प्रीति जी से है कि हम सारा कुछ कर रहे हैं, आपने देखा गुजरात में प्रवासी भारतीय किए, हम अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ क्यों नहीं रहा है? सी, इन्वेस्टमेंट आने के लिए पॉलिसीज, गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज द पॉलिसीज, FDI इन सेक्टर्स. सी, गवर्नमेंट का कुछ चीज़ें है ना, जो पॉलिसी है पार्लियामेंट में आएगा, बिल पास होगा, वो जो हिंड्रेंस है वो एक ओवरकम होना चाहिए गवर्नमेंट को, नंबर वन. नंबर टू, गवर्नमेंट इस बजट में, अरुण जेटली जी ने कुछ दिन पहले बोला था हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाएंगे. इस बजट में मैं समझता हूँ अगर अरुण जेटली जी इस चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में डाल दे बजट पेपर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट चार्ज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, उससे इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इतने कॉरपोरेट्स, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इवन इंडियन कॉरपोरेट्स, एवरीबडी विल फ्लो इन, इसमें इतना डेवलपमेंट होगा इंडिया का इस चीज़ को लेके. ये एक पॉइंट हर आदमी को ये करेक्ट है. वोडाफोन का आज जो चीज हुआ इतना घबराहट हो गई थी, सब फॉरेनर्स क्या सोच रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आज है कल है. यू नो सी, वोडाफोन ने हाईकोर्ट में केस जीता, गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई करने का नहीं लिया, इट्स ए पॉजिटिव इंडिकेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बट जितना दिन तक ये केस चल रहा था पास्ट UPA गवर्नमेंट में, एवरी डे डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे थे, डिफरेंट इंक्वायरीज ये वो चल रहे थे, उस हिसाब से सी एक तो केस जितना लीगल कॉस्ट उनका एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स ए डिफरेंट स्टोरी. इम्पोर्टेंट इज गिविंग न्यूज़ टू द मार्केट इंडस्ट्री फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जाएगा अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में वो डाल दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट चार्ज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इन सर्टन थिंग्स, उसको एक प्रॉपर पॉलिसी कर देना, बहुत अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट. और आई विल गो अ स्टेप अहेड, मैं तो बोलती हूँ कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी अगर हो जाती है ना तो फॉर ऑल यू नो इंडिया का ही पैसा वापस इंडिया में आ जाएगा. मैं तो बोलती हूँ इंडिया का ही पैसा आ जाए. एक तो ये ब्लैक मनी के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए, ये बजट में कुछ ऐसा आना चाहिए जहाँ पे जो पैसा गया है वो वापस आ जाए. दूसरा, उनको ये भी देखना चाहिए कि आगे और पैसा ना जाए, क्या और पैसा इंडिया से बाहर ना जाए, तो ऐसा कुछ करे जहाँ यहाँ फेयर एंड स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर हो और टैक्स पॉलिसीज हो मेरे हिसाब से. आज प्रेसिडेंशियल स्पीच में तो राष्ट्रपति ने ऐसा ही कहा सरकार की, इसमें इस बजट में ब्लैक मनी को लेकर के पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है जेटली अनाउंस करेंगे कि ब्लैक मनी को लेकर के क्या करने वाले हैं और आगे ब्लैक मनी जनरेट ना हो इसके लिए क्या पॉलिसीज है वो अनाउंस होने वाली है. तो आशा करनी चाहिए कि इससे, जैसे रश्मि जी बता रही थी ना कि इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे इंटेंशंस हैं, तो ये एक करप्शन का सिस्टम है, उससे ब्लैक मनी जनरेट होती है और वो जो सिस्टम है उसी में जो है बाहर से जो FDI आनी है या बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते इसी वजह से कि आपका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें वो कोई उलझना नहीं चाहता. आप इधर पैसे दो उधर पैसे दो, जैसे वो लॉबिंग चार्जेस जो एक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया प्लान में, कोई भी आप फॉरेन कंपनी के इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लान में देखिए लॉबिंग कॉस्ट होता ही है. उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं उसमें आप देखते हो फलाना फलाना इन्वेस्टमेंट और उसमें लॉबिंग कॉस्ट होता ही है इंडिया के लिए एंट्री पर. ये बड़ी शर्म की बात है कि हमको लॉबिंग कॉस्ट देना पड़ता है इंडिया में. चलिए हम थोड़ी देर इस बातचीत को यहीं रोकते हैं और क्योंकि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी सारे मेहमानों से जारी रहेगी.